और अभी आपको बताएं कि भारत में लॉकडाउन में भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना के दबाव में आकर तबाह हो गया है। दिल्ली में हामिला खातून को 15 घंटों में 8 अस्पतालों ने दाखिल करने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के वबा के दिनों की नाकाम पॉलिसी की कलई खोल दी है। अखबार ने लिखा है कि भारत का हेल्थ केयर सिस्टम कोरोना के दबाव में चौक हो गया है। हामिला खातून नीलम कुमारी का कत्ल भी इसी वजह से हुआ है। नीलम का शौहर उसे लेकर अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। मुसलसल अस्पताल की तलाश में नीलम कुमारी और उसके होने वाले बच्चे ने जिंदगी की बाजी हार दी। नीलम के शौहर ने कहा है कि डॉक्टर्स उसकी मदद ही नहीं करना चाहते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि नीलम कुमारी का शौहर हामिला बीवी को लेकर दर बदर भटकता रहा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नीलम कुमारी अस्पताल इंतजामिया और अमले की गफलत की वजह से मौत का शिकार हुई। नीलम कुमारी तनहा नहीं मरी, ऐसी बहुत सी खातीन भारतीय शहर हैदराबाद और मकबूजा कश्मीर में ऐसी ही गफलत से मौत की वादी में जा रही हैं। अखबार ने लिखा है कि दिल्ली के अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं और तिब्बी अमला कोरोना मुतासरीन को ट्रीट करने से खौफजदा है।